शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी जिंदगी में ये अपनी तरह का पहला केस है जिसमें मुलजिमों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पूरा कोर्ट कटघरा बन गया है और जितने मुलजिम कोर्ट में हाजिर हैं उससे कहीं ज्यादा कोर्ट के बाहर है और इन सब पर एक ही आदमी ने इल्जाम लगाया है। Am I right, Mr. Harish Patil? Yes, Your Honor. और इन सबके ऊपर आरोप है कि इन्होंने मेरे मुवक्किल गोविंद नारंग पर जानलेवा हमला किया योर ऑनर और उनकी बहन रत्ना का बलात्कार किया है। साइलेंस साइलेंस एक एक करके बोलिए। जज साहब हम लोग एकदम शरीफ इज्जतदार और पढ़ा लिखा लोग हैं मिलॉर्ड। हम क्या पढ़े पला दिखता है और हमारा भी बहन है माँ है हम ये गलत काम क्यों करेगा? माय लॉर्ड हम हमेशा लड़का लोगों को प्यार किया हम लड़की लोगों को हेट करता है उनका रेप क्यों करेगा? कैन यू टेल मी? बट सर हम बहुत शरीफ आदमी सर अभी हमारा बीवी हमारा एक स्टूडेंट के साथ भाग गया सर हम उसका पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं किया सर देखो हम कितना शरीफ आदमी सर। इसका मतलब आप लोगों ने रेप नहीं किया? एकदम बरोबर। और कुछ देखा भी नहीं? अरे देखा कैसा नहीं कॉलोनी में तो रेप हुआ सब लोग बालकनी में खड़ा था सब ने देखा मैंने देखा ये मिर्जा साहब ने देखा। अब तुम ऐसा नहीं बोलना कि देखना भी गुनाह है। इसका मतलब ये गुनाह आपने नहीं किया लेकिन जिन्होंने किया उन्हें गुनाह करते वक्त आपने देखा था क्या आप उन्हें जानते हैं? जनाब हम इस इलाके के नेता या MLA का नाम भले ही न जाने मगर इस इलाके के सारे गुंडों का नाम हम जानते हैं। जज साहब वो गुंडे तो कमीने हैं लेकिन ये भाई बहन उनसे भी बड़े कमीने हैं। जरा देखिए सर उसकी बहन की तरफ अगर हजार लोगों ने उसका रेप किया होता तो क्या वो इस तरह अदालत में बैठी रह पाती? नो इट्स नॉट पॉसिबल मिलॉर्ड। ओ सारन साहब इसका इल्जाम सरासर गलत है। असल बात ये है कि ये हम पर रेप का चार्ज लगाकर हमसे पैसे अटना चाहते हैं। जज साहब न जाने इससे पहले कितनी बार कितने शहरों में अपनी बहन का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे निकाले होंगे इसने। दलाल है ये अपनी बहन का दलाल है ये। खबरदार अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो देख लेना। पैसों के लिए अपने माँ बहनों को बेचने का शौक आप लोगों को होगा गांव का इस गोविंद नारंग को नहीं। भैया मैं गांव का आदमी हूं जहां एक घर के चूल्हे से सारे गांव का चूल्हा चलता है और जब एक घर चलता है ना तो सारा गांव चलता है। ये पवित्र जमीन मेरे लिए मां समान है। मैं इसकी कसम खाकर कहता हूं कि मेरी मासूम बहन की बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं, ये इज्जतदार लोग। इनकी मां बहनों के दुश्मनों को मैंने अपना दुश्मन बनाया। क्यों? सिर्फ इंसानियत के लिए। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने जमीर की आवाज से जो एक लड़की की चीख सुनकर रोक नहीं पाई। लेकिन मेरी बहन की चीख सुनकर इनके जमीर से एक आवाज तक नहीं निकली। मैं पूछा क्यों क्यों? जानी को मारते ही आप लोग मुझे मसीहा बनाने आए थे लेकिन जब इस मसीहा की बहन की इज्जत लूटी जा रही थी तब उसे बचाने आप लोग एक इंच भी आगे नहीं आए और आज अपनी झूठी आन और इज्जत को बचाने के लिए 4 किलोमीटर यहां तक चलकर आए। मैं पूछा क्यों क्यों? मैं अपनी बहन को गांव से शहर ले आया था यह सोच के कि इसे कुछ बनाऊंगा लेकिन यहां अगर इसने अपना सब कुछ खो दिया। एक औरत के लिए अपनी इज्जत ही सब कुछ होती है लेकिन लेकिन इसने तो वो भी खो। भैया मैंने तो सुना था कि बलात्कार क्या होता है लेकिन अगर देखा भी तो अपनी बहन का आप लोगों ने भी देखा लेकिन इज्जत लूटते नहीं देखा। आप लोगों ने मेरी बहन का तमाशा देखा
मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद के लिए भीख मांग रहा था, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा, क्यों 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 कुछ नहीं किया, भीख मांगते रहे कि कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा क्यों। अरे लोग तो लावारिस लाश पर भी कफन डाल देते हैं, लेकिन आप लोगों ने, आप लोगों ने मेरी बहन पर हमदर्दी का कपड़ा तक नहीं डाला, क्यों क्यों। नीरज लाल जी, आपकी तो कपड़े की दुकान है, हजारों मीटर कपड़ा आपकी दुकान में, लेकिन मेरी बहन की इज्जत को ढकने के लिए वो भी कम पड़ गया। हा? उस दिन आप लोगों की तादाद हजारों में थी और वो गुंडे भट्टी पर, फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्यों मैं पूछता हूं, क्यों? क्योंकि औरत ना मेरी बहन है, तुम सबकी नहीं। अगर यही बात मैंने उस दिन सोच ली होती और तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाने देता, तो मेरी जगह पर आज तुम यहां होते मिस्टर दिलीप रॉय, और मैं और मेरी बहन सुरक्षित होते, है ना? गलत सोचा आप लोगों ने, माफ कीजिए, आप लोगों का सोचने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। कल उसकी बहन थी, आज मेरी बहन है, कल आप में से किसी एक की बहन हो सकती है। तो क्या कभी आप कभी कान कभी दरवाजा बंद कर देने से आप लोग महफूज रहोगे, सेफ रहोगे आप लोग? क्यों प्रोफेसर साहब, आप बच्चों को शिक्षा देते कि बुराई के खिलाफ लड़ो, और जब मेरी बच्ची की इज्जत लूटी जा रही थी तो आपने पीठ घुमा दिया, यही शिक्षा देते हैं आप? बीए, एमए, एमबीए जैसे पढ़े लिखे लोग होकर भी आप लोग जॉनी के अनपढ़ गवार गुंडों के सामने झुकते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनसे डरते हैं, लेकिन एक भूखा कुत्ता अगर हमारे बर्तन में मुंह भी डालता है तो हम उसे भगा देते हैं, मगर ये गुंडे हमारे मुंह से निवाला तक छीन लेते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। मच्छर अगर नींद में भी हमारा खून चूसता है तो हम उसे मार देते हैं, मगर ये गुंडे हमारे जागते हुए हमारा खून बहाते और हम कुछ नहीं करते। भैया भैया, मुझे इन लोगों से शिकायत या गुस्सा नहीं है, और ना ही मैंने आप लोगों को यहां जलील करने के लिए बुलाया है, मुझे आप लोगों की मदद नहीं चाहिए, नहीं नहीं, मैं आज भी इन गुंडों से अपनी बहन का बदला अकेला ले सकता हूं, या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन किसी एक के मरने मारने से यह गुंडागर्दी का पेड़ नहीं गिरेगा, उसे झट से उखाड़ना होगा, और उसके लिए आप सबको एक होना होगा। जिस दिन आप एक हो जाओगे, हमारी गिनती करोड़ों में होगी, 100 करोड़, और वो गुंडे मुट्ठी भर, गुंडों की सारी ताकत उनके हथियार और आपके डर में होती है। एक याद रखिए, हथियार उठाने वाला कभी साहसी नहीं होता, क्योंकि उससे अपने से ज्यादा भरोसा उसके हथियार पर होता है, जो कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन आपका साहस, आपकी ताकत आपको कभी धोखा नहीं देगी। तो निकाल दीजिए वो डर, छीन लीजिए वो हथियार, और फिर देखिए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उस देश का जॉनी हो या बाहर मुल्क का दुश्मन। यही बात मुझे आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मुझे आप लोगों को इस तरह कोर्ट में बुलाना पड़ा, इसलिए मैं अदालत और आप सबसे माफी चाहता हूं, माफ कीजिएगा। गोविंद, गोविंद बेटा सुनो, एक मिनट गोविंद, मैं एक आम आदमी हूं, समाज की ये रोज रोज बढ़ती हुई अनगिनत बुराइयों ने इस आम आदमी की आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया, लेकिन आज इस अदालत में
तुम्हारी बातों ने मुझे इस आम आदमी को एक नई आवाज दी, एक नए आगाज के लिए। गोविंद, मैं कम से कम मैं तुम्हारे साथ हूं। गोविंद मेरा भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। गोविंद सब तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी 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 तुम्हारे साथ हूँ। बुलाइए, हम उनके खिलाफ गवाही देंगे। बुलाइए उन सब गुंडों को, हम सब गवाही देंगे। ये अदालत जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, करीम खान तूफानी, सदानंद कुट्टी, रामशरण शुक्ला एवं उनके सभी साथियों को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। The court is adjourned. मैं कभी जिस गोविंद को जानती थी, आज एक लंबे अरसे के बाद उसे अपने सामने देख रही हूँ। मुझे फख्र है आप, तुम पर।